ये कौन आ गया भाई? नशे वाले भैया आ जाइए। इनको फिल्म बनाने का ऐसा नशा है कि कुछ सूझता ही नहीं। और आप परेशान ना हो, किस्मत में होगा तो खुदा ही मिल जाएगा, है कि नहीं? अरे पर गांड मराने से का फायदा, जब गांड मराने का कौनो फायदा ही नहीं है। अबे बहुत सड़ी के मुंह बंद रखो अपना, ज्यादा बकचोदी मत पेलो। अरे हमरे नशे की बात कर रहे हो तुम, और यहाँ बैठकर ये जो तुम कर रहे हो वो क्या है? अरे ये नशा करने आए हो तुम इतने बड़े शहर में? हाँ, अरे 1800 किलोमीटर दूर अपना घर है, सुकून की दो रोटी है और छत भी अपनी है। कोनू चूतिया तुम्हें फोन करके ये नहीं बोलने वाला कि भैंचोद रेंट काहे नहीं आया अभी तक, सुबह से शाम हो गई है। नशे वाले भैया नाम रखे हो ना हमरा। अरे हाँ है नशा हमको फिल्म बनाने का, पर का करें? हाँ का करें, साला स्कूलिंग ही इतनी अच्छी जगह से हुई है कि यहाँ की अंग्रेजी में अपनी हिंदी घुसेड़ो तो साला लंड चूस जाती है, और सामने वाला अपना लोड़ा हाथ में देकर चला जाता है। अगर ही जयमार लगाकर पास भी हो जाते हैं ना, तो पैसे लगाने वाला अपनी चमड़ी के चक्कर में हमारी चमड़ी पर दाग लगवाने को तैयार हो जाता है। अबे बताओ क्या करें ऐसे भोसड़ी वालों का, जहां हमारी फिल्म कम और उनकी फिल्म ज्यादा बन रही होती है। अबे का जानते हो हमारे नशे के बारे में? तुम्हारे ई चूतिया पासे कहीं दूर का नशा है हमरा। सारा ऑडिशन देने जाते हो, कास्टिंग डायरेक्टर ने बोल दिया नॉट फिट, तो तुम्हारी गांड लाल हो जाती है हा? और यहां आकर तुम ई नशा करके उसको चार गाली देकर शेर बन जाते हो और सो जाते हो। हो गया सपना पूरा हा? साला खुदी के सपने की गांड मार देते हो। अबे तुम इधर हाँ, शॉर्ट मैन लॉन्ग ड्राइव आए थे तब तो बड़ी हाँक रहे थे, भैया जी ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा लिखेंगे वैसे राइटर बनेंगे। अबे बहन चोद आए थे तब से 6 महीने हो गए, एक बार कलम उठाए नहीं देखा है तुम्हें। उका है ना भैया कि इसके पास लैपटॉप है तो उसी में लिख लेता है, इसीलिए आपको कलम नहीं दिखता। तू चुप चूतिए, उस लैपटॉप को अपनी गांड में डालो और चार्ज करके देखो जिस नशे के साथ तुम आए थे वो है या बुझ गया। नशे वाले भैया नाम रखियो ना हमरा। हाँ है हमको नशा, हम तुम्हारी तरह ही नशा करके सो नहीं जाते हैं कि सब भूल जाएं, वो आग जला के रखे हैं। काहे कि जब दिल पूछता है ना कि बेटा का उखाड़े हो अब तक, तब या काम आती है कि जिस दिन उखाड़ेंगे ना सबका उखाड़ेंगे। साला एक सपना का देख लिया, पूरी दुनिया के गुनेगार हो गए। गांव में जाओ तो वहां मजाक बनाते और यहां जिंदगी रोज मजाक उड़ाती है। अरे बाप भी कहता है कछु ना हो रहा तो वापस आ जाओ। अरे साला कहा पता है बाप को भी गर्व नहीं है हम पे कि साला गांव की अच्छी जिंदगी छोड़कर यहां कछु करने के खातिर मरवा ही रहे अपनी। साला कभी नहीं बोले कि बिना खाए सो गए, सुबह उठे बिना खाए निकल गए, ट्रेन में धक्के खाए, 400 सीढ़ियां चढ़ना 400 सीढ़ियां उतरना, और फिर भी मुस्कुरा रहे। उधर साला कोई नहीं समझ सकता, समोसे के साथ आंसू बहा लेते हैं हरी मिर्च खा के। लोग सोचते हैं साला तीखा लग गया। अरे अरे का बताए अभी कितना जल रहा है। आ, 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 आ,
अरे जब किस्मत होगी, हम सच कह रहे हैं तबाही तो होगा ना, मैया कसम। अबे भोसड़ी के तुम भी बोले, अच्छे दिखते हो, अच्छी बॉडी बनाए हो, काहे काम नहीं मिल रहा? हाँ, अरे जब इतनी किस्मत किस्मत की बोल रहे हो, इतनी किस्मत किस्मत की रगड़ रहे हो, तो काहे 1800 किलोमीटर दूर आकर अपनी गांड घिस रहे हो? घर जाओ, मौज करो, खाओ पियो, किस्मत में होगा तो अपने आप ही फोन आ जाएगा। ये शंकर लाल जी के पुत्र संधू लाल जी उर्फ सैंडी के लिए एक फिल्म बना रहे। अबे बेटी चोद, ये सैंडी नाम कब रखा बे? वो भैया कहा है कि हम ऑडिशन लाइन में खड़े थे तो वहाँ एक लौंडा था, उसका नाम था सैंडी, हमको अच्छा लगा और हम रख लिए, और सोचा का पता सैंडी नाम सुनकर कोनू कास्टिंग वाला हमको भाव दे दे। उस सैंडी नाम सुन के और तुम्हारी सूरत देख के वो तुम्हें भाव देगा? हाँ हाँ, अरे बकचोद, तुम्हारे सैंडी नाम और तुम्हारी सूरत पे काम देगा वो। अबे भोसड़ी के, तुम्हारे जैसे सो चूतिया देखता है रोज, सूरत पे ही काम मिलता ना तो बड़े बड़े स्टार बन जाते, और जैसे ही तुम मुंह खोलते हो ना और ये हलो बोलते हो, वैसे ही तुम्हारी कन्वेंट स्कूल का पोल खुल जाता है। अरे इससे अच्छा तो हम हैं, तब बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं, तो तनिक माफी मिल जाती है कि भाई ठीक है। और साला तुम कॉन्वेंट स्कूल वाले हेलो बोलकर अंग्रेजी की गांड मार देते हो, तभी वो समझ जाता है कि ई वाला सैंडी बेटी चोद यहां आकर बना है। बस भूल गए सब, अरे नशा करना है तो ऊ नशा करो जो जीवन भर काम आए, ई नहीं कि जीवन बर्बाद करे। अरे का गुजरेगी घर वालों पर जब ई नशा कर करके तुम लोग गुजर जाओगे? अरे जो नशा देखकर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहां भेजा है उसका क्या? भोसड़ी के याद रखो, जिंदगी बहुत कम है सपनों को पाने के लिए, ऐसे नशे में डूबे रहो कि मंजिल मिलने के बाद भी नशा ना उतरे। जब भी सो नशे में ही सो, और जब सुबह उठो तब भी नशा हो, बाकी नशा ऐसा हो कि नींद में भी हावी रहे। ई नशा जिंदगी बर्बाद करता है, और जो 1800 किलोमीटर दूर से लेकर आए हो वो जिंदगी आबाद करेगा। मिथि भोज, सब्सक्राइब करें मिथि भोज यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए और पाते रहिए मिथि भोज के नोटिफिकेशन।